Subscribe now and press the bell button for all notifications. Hello viewers, मैं हूं आतनु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एग्री एंड ड्रीम्स। तो आज जो यहां पे मैं अपना वीडियो फिर से लेके आया हूं, इसका कारण है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में व्हीट में मतलब गेहूं में एक ट्रिक देने वाला हूं आज मैं, जो फार्मरों को एग्रीकल्चर प्रोफेशनल को सबसे बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो पे हम लोग चलेंगे। तो वीडियो पे चलने से पहले जो लोग आज पहले बार मेरे चैनल पे आया हुए देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल बटन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरा ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उसको सभी को धन्यवाद। व्यूअर्स, जो बात करने वाला था गेहूं का टिक, जो मेरा थंबनेल्स में भी आप लोगों को देखना है, रेड बोल के दिया हुआ है। तो ये गेहूं का खेती में एक बहुत बड़ा परेशानी वाला बात है, चूहे का प्रॉब्लम या रैट बीमारी जिसको बोलते हैं। तो उसको हम उसमें उससे कैसे हम लोग निकल पाए। तो फार्मर जनरली व्हीट का जो सब स्टेज है, सोइंग है, फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजर डोज देते हैं या आपका पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, सब पता है। इरिगेशन भी सही तरीके से कर लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है व्हीट खेती में, गेहूं का खेती में, पूरा इंडिया पे ही है ये। तो देखेंगे कि चूहे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसमें से फार्मर क्या करते हैं, इसमें परेशान हो जाते हैं, चूहे काट देते हैं, गेहूं का पौधे काट देते हैं, इसमें नुकसान हो जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाते। और इसमें दवाई का यूज़ किया जाता है, जो केमिकल्स होता है, जो खेतों को तो तकलीफ पहुँचाते ही है और ऊपर से कॉस्टली भी होता है। तो फार्मर का काफ़ी पैसा भी इसमें बर्बाद होते हैं। तो बहुत सारा एग्री प्रोफेशनल, एग्रीकल्चरिस्ट, डेवलपमेंट प्रोफेशनल इस पर काम करते हैं। तो मैंने भी लास्ट 10-12 साल में व्हीट के ऊपर बहुत काम किया हूँ, बेसिकली ईस्टर्न रीजन पे ही काम किया हूँ। तो यहाँ पे मुझे भी ये समस्या आए हुए थे, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस से कुछ बात सीखे हैं, तो जो आपसे आप लोगों के साथ आज ये शेयर करने वाला हूँ कि ये चूहे का समस्या को कैसे मिटाए खेत में। तो वो जो मेरा लर्निंग है वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये चूहे का समस्या से निकलने के लिए कुछ खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चा है और ये बहुत सही तरीका भी है और ये आपको रिजल्ट भी देगा। तो क्या करना है, फिर से अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन पे आपने गेहूं लगाया हुए है, तो पहले आपको 2 से 2.5 किलो आटा लेना है। आटा मतलब जिससे रोटी बनते हैं, या व्हीट फ्लोर आपको लेना है, और साथ उसके साथ आपको 500 ग्राम सीमेंट लेना है। हाँ जी हाँ, सीमेंट लेना है। तो ये है 2 मेन इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल आप बोल सकते हैं, जो ये काम आएंगे चूहे को खेत से भगाने के लिए। तो क्या है, पहले ये आटे और सीमेंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसमें आप थोड़ा पानी डाल के उसको जैसे आटे गूंथते हैं वैसे गूंथ लीजिए। फिर वो गूंथने के बाद आपका काफ़ी सारा मतलब 2.5 किलो आटा है आपका, 500 ग्राम सीमेंट है, तो काफ़ी हेवी अमाउंट बन जाएगा। तो उसको छोटा छोटा दाना बना लीजिए, गोली बना लीजिए, इतना साइज का आप गोली बना लीजिए और उसको कड़ी धूप में सुखा लीजिए। एक दिन में ही सूख जाएगा, अगर बहुत तेज़ धूप है तो एक दिन में सूख जाएगा, तो वो एकदम हार्ड जैसा बन जाएगा। ये होने के बाद आप सुबह के टाइम या शाम के समय पर खेत पर चले जाइए अपना, वहाँ पर जाके ये अपना चारों पूरे खेत पे चारों तरफ से इसको छिटक दे, जैसे फर्टिलाइजर छिटकते हैं हम लोग, वैसे ही इसको छिटक दे और फिर खेत से वापस चला। इसमें क्या होगा, आगे का जो रिजल्ट आएगा वो है कि आप देखिए, ये चूहा आटे बहुत पसंद करते हैं, उनको आटे का गोली बहुत पसंद है। तो जब खेत में चूहे को आटे का गोली मिलेगा वो उसको खाएगा ही खाएगा 100%। वो खाने के बाद वो सीधा स्टोमक में जाता है। जैसे एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, कोई भी जानवर हो, तो उनका जो खाना होता है तो स्टमक पे जाता है। वो स्टमक पे जब ये आटे का गोली सीमेंट मिला हो, आटे का गोली जब चूहे का स्टमक में जाएगा, तो वो स्टमक में जाकर उसका पानी मिलेगा। पानी मिलने के कारण वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट है, सीमेंट पे पानी आएगा तो वो हार्ड हो जाएगा। जैसे वो हार्ड हो जाता है, वो चीज़ चूहे का स्टमक में फंस जाता है और वो फंसने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद चूहे का मौत हो जाता है। तो ये जितना भी सारा चूहे है इस तरह से उस आटे के गोली को खाएगा और उनका मौत होना है। और इसमें फार्मर को काफ़ी फायदा है, क्योंकि एक तो ये नॉन केमिकल्स है, दूसरा है
कि कोई कॉस्ट नहीं है, बहुत कम कॉस्ट है, आपको 2.5 किलो आटा और 500 ग्राम सीमेंट 100 रुपये के अंदर हो जाएगा। तो ये बॉस बहुत कॉस्ट सेविंग, तो ये ट्रिक आप अपना सकते हो, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। मैंने इसमें ये किया हूँ और मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिला है, और ऑलमोस्ट 70-80% तो चूहे का जो ये बीमारी है ये निकल गया है, और काफ़ी अच्छे से मैं अपना फार्मर को सोल्यूशन दे पाया। तो मुझे लगता है कि ये आपको भी हेल्प करेगा। तो यही था आज का ट्रिक फ्रेंड्स व्यूअर्स, और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहे। तो व्यूअर्स ये था आज का ट्रिक गेहूं को लेके। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग नए आए हो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे का नोटिफिकेशन के लिए, और जो लोग मेरा पहले से सब्सक्राइबर है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पे आज का वीडियो मैं क्लोज करता हूँ, आगे एक नया वीडियो लेकर फिर आऊँगा।